अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शमा रफीक और आप देख रहे हैं एशिया टुडे न्यूज़। आज ईद के रंग एशिया टुडे के संग में हम आपके साथ हैं और आपके साथ हम बातें भी कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स सब कुछ शेयर कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ हम अपने अपने प्यारे प्यारे मेहमानों से भी आपको मिलवा रहे हैं। और आज अभी हमारे साथ स्टोरी में मौजूद हैं डॉक्टर शायद जमाल, जो कि राइटर हैं, पोइट हैं, कंपोजर हैं, सिंगर हैं, अ वेरी मल्टी टैलेंटेड पर्सन इज़ हेयर एंड वेलकम टू आवर शो एंड हैप्पी दिवाली टू यू। सर कैसे गुजरी आपकी? जी बड़ी अच्छी गुजर रही है। सर अच्छा, आप भी ईदी देते हैं? जी हाँ देते हैं। जबरदस्त, मतलब आपके पास तो बच्चे वगैरह सारे आ जाते होंगे सुबह सुबह नमाज के बाद? बस जो जो बच्चे आते रहे दिन में उनको ईद देते रहते हैं। जबरदस्त, क्योंकि बच्चों ने भी ईद मनानी है। फिर प्रोग्राम के बाद मैं भी आ रही हूँ आपके पास। जी तो आप ये सोचिए कि अभी बताइएगा कि आपने कितना काम किया, हमारे साथ डॉक्टर भी हैं, ठीक है, एक डॉक्टर होने के साथ साथ आप राइटर भी हैं, पोइट भी हैं, सिंगर भी हैं, कंपोजर भी हैं, तो आप इतना सब कुछ कैसे मैनेज कर रहे हैं, मतलब कैसे हुआ ये सब? जी ऐसा है कि ये सारी चीज़ें एक वक्त में नहीं हुआ करती। सही, कभी किसी चीज़ का मूड होता है, कभी किसी चीज़ का मूड आ जाता है। शायरी जो है वो एक उसका कोई टाइम मुकर्रर नहीं है। सही। कभी आमद होती है, कभी मैं अपनी बात करता हूँ कि कभी मैं स्टडी में बैठा हूँ, कोई पढ़ रहा हूँ, तो एकदम कोई आमद होती है तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ लिखनी चाहिए तो मैं लिख लेता हूँ। सही। स्टडी के दौरान ही। सही। बाकी जो फील्ड है, जो म्यूज़िक है, वो मैं कभी जब मूड होता है तो इंस्ट्रूमेंट लेके बैठ लेते हैं। सही, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं आप? मैं ज़्यादातर हारमोनियम बजाता हूँ, वहीं से भी मेरी कंपोजिशन वगैरह है। अच्छा अच्छा, जबरदस्त जी। लेकिन जो ज़्यादातर मेरी जो शायरी है, मैंने आज से तकरीबन 1997 में मेरी पहली बुक शायरी हुई थी, बुजुर्ग बच्चा के नाम से। सही सही, जबरदस्त। तो उससे मैंने, उसके बाद फिर 2 साल के बाद मेरी दूसरी बुक पीठ का बोझ मैंने शायरी की थी। सही। उसके बाद फिर मेरा सफ़र जो है वो शायरी का चलता रहता है। सही। जैसे जैसे जहन में शायरी आती है, अनकॉन्शियसली, ये तो वजीयत, ये अल्लाह ताला की तरफ से वजीयत करता शायरी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, इसमें इंसान जैसे कहते हैं ना कि कपड़े इंसान ज़्यादा लाता है तो उसको तराश खराश के पहनने पड़ते हैं, इसी तरह शायरी में भी ये है कि कुछ ख्यालात आते हैं हम उसको लिखते हैं, फिर उसको हम मज़ीद इम्प्रूव करते हैं, बार बार इम्प्रूव करते हैं, फिर देखते हैं कि अब ये इस काबिल हो गया है कि इसको पढ़ा जा सकता है। कंपोजिंग आप करते हैं, वो कितना अर्सा आपने काम किया, अभी कर रहे हैं क्या? वो मैं कभी, वो मुनसर होता है कि कभी मूड की बात है उसमें। सही। बात अवत ऐसा भी होता है कि मैं कहीं जा रहा हूँ, किसी ड्राइविंग पे हूँ, तो वो एक रिदम बनता है, आवाज़ आती है कोई, तो उससे मेरे जो पिच है उसकी, वॉइस की, उसमें एकदम क्लिक करता है, ध्यान में शेर आ जाते हैं। सही। मेरा अपना अंदाज है। सही। तो इसमें मैंने कई गज़लें, कई आइटम जो हैं वो मैंने ड्राइविंग करते हुए लिखे हैं। फिर बाद में जब मैं घर आता हूँ, अगर मैं भूल जाता हूँ उसको, तो एक दो दिन बाद वो दोबारा मेरे ध्यान में फिर क्लिक करता है, फिर मैं उसको लिख लेता हूँ या नोट कर लेता हूँ कि ये मैंने आ गया था, बन गया। तो आप सिंगिंग करते हैं, सिंगर भी रहे हैं, मतलब क्या वो कैसे शौक पैदा हुआ इतना सबके बाद? वो पहले शायरी से पहले मैंने सिंगिंग शुरू की थी। अच्छा 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 जी, जबरदस्त। वो वैसे जवानी का, जैसे जवानी का शौक होता है, लाउबाली था से। वो उस टाइम मुझे कोई पता नहीं था कि ये मेरी जो म्यूज़िक का जो शौक है वो हर इंसान के अंदर होता है। बिल्कुल ऐसे ही। सुनना तो हर इंसान को अच्छा लगता है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन जो जो म्यूज़िक को आगे बढ़ाना, लेकिन कहा जाता है कि म्यूज़िक रूह की ग़िज़ा है, वो रूह की ग़िज़ा तो वाकई है, तो डेफिनेटली आपके मूड भी चेंज कर रहा होता है, मूड चल रहे होते हैं, तो ये सब कुछ तो सारा चलता रहता है। हाँ चलता रहता है। मैं अपनी बात ये कह रहा था कि पहले मैंने शायरी शुरू की, वो शायरी शुरू नहीं की, पहले मैंने म्यूज़िक से स्टार्ट लिया। ठीक हो गया। मैं सीख रहा कुछ अर्से, मेरे उस्ताद से परवेज नदीम गोरी साहब, उनसे मैंने मौसीकी के लेसन लिए। ठीक हो गया। कुछ अर्से के बाद, कुछ 10 साल के बाद जाके मुझे एकदम मेरे ध्यान में शायरी का एक वो ज़ोक पैदा हुआ। वो भी कुछ हादसे की वजह से हुआ, या अब ये तो पुरानी बात हो गई है, काफ़ी नहीं, जब मेरी 33 उम्र थी। अच्छा। तो फिर मैंने शायरी शुरू की, लव वाली शायरी थी। फिर मेरे उस्ताद मुझे मिल गए, डॉक्टर अर्जुन बालवी, उन्होंने मुझे ग्रूम किया, पॉलिश किया, फिर मैंने उनसे इल्म अरूज़ बाकायदा सीखा मैंने। सही। जो कि शायरी के तमाम इल्म अरूज़ उनसे कहता है, इंसान को बताता है कि भाई शायरी किस तरह करनी चाहिए, शायरी के क्या नुक्ते हैं, क्या उसकी बारीकी हैं। उससे फिर मेरी शायरी में इम्प्रूवमेंट आई। सही। फिर मैं समझता हूँ कि मैं प्रॉपर शायर बनने की तरफ आ गया। फिर मैं सही।
सही है, मतलब आपने काफी मेहनत भी की इसको सीखा है, मेहनत करनी पड़ती है। फिर हमारा चार किताबें भी आपने लिख ली अभी तक? 20 साल में लिखी हैं। अच्छा, तो हमारा एक इदारा होता था, इदारा इस्लाह सुखन, तो वो मेरे साथ थे डॉक्टर अर्जुन मलिक साहब, उन्होंने मुझे उसका फिनन नायब सदर बना दिया। हम फिर मुख्तलिफ हर महीने तरह मुशायरे ऑर्गेनाइज करते थे, मैं खुद करता था ऑर्गेनाइज, मैंने काफ़ी मुशायरे ऑर्गेनाइज किए पिंडी, इस्लामाबाद, और जो हमारे पंजाब के शायर थे उनको बुलाते थे हर महीने। तो उससे हम हर महीने शायरी नशस्तें हमारी होती थी। उसके बाद फिर मेरी शायरी भी साथ साथ मेरी शायरी में भी सफ़र चलता गया, तो इम्प्रूवमेंट आती गई। फिर मेरे जहन में किताब लिखने का ख्याल आया। जो पहले किताब मैंने जब लिखी तो उसमें बुजुर्ग बच्चा का एक मैंने आइटम कहा था, तो वो फिर मैंने कहा जी ये अपने साथ मैंने डिस्कस किया, तो उन्होंने पहले से मुखालफत की इसकी। अच्छा। कि ये जो आप बुजुर्ग बच्चा आपकी किताब का नाम है ये कुछ दुरुस्त नहीं है। सही। लेकिन चूंकि मैं अपने ध्यान में उसकी ताने बाने बुन चुका था। सही। अपने ध्यान में एक उसका बना चुका था, तस्वीर बना लिया था मैंने फिर काफ़ी कोशिश करते करते वो फिर किताब मेरी सामने आती चली गई। सही। तो फिर उसके बाद फिर सफ़र चल रहा है अभी तक। तो अभी हमारे नाज़रीन को आपकी जी मैं अभी एक गज़ल पेश करता हूँ। आजकल के माहौल भी ऐसा है कि चूँकि आपको पता है कि दुनिया में एक तरफ हर तरफ आग लगी है, तो बहरहाल इसमें ये गज़ल मैंने काफ़ी अर्से पहले लिखी थी, मैं आपको पेश कर रहा हूँ। चमन में आग ऐसी लग रही है कि जलता हर एक गुलाब देखो, चमन में आग ऐसी लग रही है कि जलता हर एक गुलाब देखूं, कोई ये खुश फहमियाँ तो देखे, कोई ये खुश फहमियाँ तो देखे कि फिर भी चाहत के ख्वाब देखूं, कोई ये खुश फहमियाँ तो देखे कि फिर भी चाहत के ख्वाब देखूं, कभी मोहब्बत सवाल देखूं, कभी मैं नफरत जवाब देखूं, कभी मैं मोहब्बत कभी मोहब्बत सवाल देखूं, कभी मैं नफरत जवाब देखूं, मैं हुस्न को बेहिजाब देखूं तो अपनी नीयत ख़राब देखूं। ये मेरी सोचो कि आप गिने बहुत है नाजुक न टूट जाए, ये मेरी सोचो कि आप गिने बहुत है नाजुक न टूट जाए, मैं इनमें कुछ ताजगी जो पाऊँ तो ढलता ढलता शबाब देखूँ, मैं इनमें कुछ ताजगी जो पाऊँ तो ढलता ढलता शबाब देखूँ, जो अक्ल दानिश से पाए आरी, जो अक्ल दानिश से पाए आरी वो हुस्न दौलत के हैं पुजारी, न जाने कैसा ये दौर आया उन्हीं को इज्जत माब देखूं, न जाने कैसा ये दौर आया उन्हीं को इज्जत माब देखूं, उफक के चारों तरफ न जाने कैसे ये अंधे साए से फैलते हैं, उफक के चारों तरफ न जाने कैसे ये अंधे साए से फैलते हैं, निहां मगर इनकी तह में अक्सर मैं रोशनी बेहिसाब देखूं, निहां मगर इनकी तह में अक्सर मैं रोशनी बेहिसाब देखूं। और एक शेर है वतन के लिए, यही जो हालत रही हमारी तो वक्त होगा वतन पे भारी, यही जो हालत रही हमारी तो वक्त होगा वतन पे भारी, वतन फरोशों को अक्ल आए नज़र में उनके हिजाब देखूं, वतन फरोशों को अक्ल आए नज़र में उनके हिजाब देखूं, वतन की हर एक हसीन शय को मैं प्यार करता हूँ चूमता हूँ, वतन की हर एक हसीन शय को मैं प्यार करता हूँ चूमता हूँ, कहाँ ये फुर्सत के इश्क की और कोई रंगी किताब देखूँ, कहाँ ये फुर्सत के इश्क की और कोई रंगी किताब देखूँ, ये इल्म दानिश की दर्ज गाहें, ये इल्म दानिश की दर्ज गाहें कि हुस्न फितरत के हैं मज़ाहिर, ये इल्म दानिश की दर्ज गाहें कि हुस्न फितरत के हैं मज़ाहिर, जो हुस्न फितरत को दोस्त रखे, जो हुस्न फितरत को दोस्त रखे उसी को मैं कामयाब देखूं, जो हुस्न फितरत को दोस्त रखे उसी को मैं कामयाब देखूं। और मकता है कि सकून कल्ब व नज़र की खातिर ये खुद परेशान सा रहा हूँ, सकून कल्ब व नज़र की खातिर ये खुद परेशान सा रहा हूँ, जमाल हालत है अब ये कैसी कि जागते में भी ख्वाब देखूं, जमाल हालत है अब ये कैसी कि जागते में भी ख्वाब देखूँ, चमन में आग ऐसी लग रही है कि जलता हर एक गुलाब देखूं, चमन में आग ऐसी लग रही है कि जलता हर एक गुलाब देखूं, कोई ये खुश फहमियाँ तो देखे कि फिर भी चाहत ख्वाब देखूं। वाह, जबरदस्त जबरदस्त।
देखें कितनी आपने ज़बरदस्त शायरी है इसके अंदर, और आपने बिल्कुल एक ऐसा स्केच क्रिएट कर दिया। नाज़रीन आपने भी सुना होगा कि इतना खूबसूरत अंदाज, जिसमें उम्मीद भी है, जिसमें करंट सिचुएशन भी चल रही है, जिसमें उम्मीद आ रही है, जिसमें मतलब आपके दुख भी समाए जा रहे हैं, मतलब हर चीज़ उसने बिल्कुल ही लफ्ज़ों के अंदर ऐसा आपके सामने कहानी पोर्ट्रे कर दी गई है। आपने तो माशाल्लाह से हर चीज़ को बता दिया है कि अभी दिल ऐसा सोच रहा है, अभी अंधेरे भी हैं लेकिन हिम्मत भी नहीं हारनी है, मैं परेशान भी हूँ कि हम जैसे इसे निकलना कैसे। तो हर चीज़ आपने ना मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आया इसको सुन के कि बहुत मतलब करंट सिचुएशन के मुताबिक ये गज़ल थी इनकी, और बहुत ही मज़ेदार डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा ये मुझे सुन के, बहुत अच्छी है। डॉक्टर साहब इसके अलावा भी आपकी एक नज़म थी, तवील नज़म थी, जैसा कि जिसका नाम था बहार का खजान से मुकालमा, तो वो जरा अगर आप हमारी ऑडियंस जी मेरी किताब में शामिल है जी, बहार का खजान से मुकालमा जी, कि बहार और खजान एक जगह बैठी बातें कर रही हैं और बहार पहले खजान से बात करती है फिर खजान उसको जवाब देती है। सही। ये पेशे खिदमत है, मुझे बार बार ना टोकी है, मुझे बार बार ना रोकी है, ये बहार खजान से कह रही है। अच्छा, मुझे बार बार ने टोकी है, मुझे बार बार ने रोकी है, मैं सितम रसीदा बहार हूँ, मैं सितम रसीदा बहार हूँ, दरे आग ही जरा खोली है, मेरे नाम भी कोई रोशनी, मेरे नाम भी कोई नूर हो, मेरे नाम भी कोई रोशनी, मेरे नाम भी कोई नूर हो, मुझे भी सुकून तो नसीब हो, कभी अपनी जुल्फ तो खोली है, मैं खिजा की रुत में हयात हूँ, मैं खिजा की रुत में हयात हूँ, कभी शक्ल दार निजात हूँ, मैं गमे हयात में मुबतला, मेरे साथ ऐसे न बोलिए। ओह माय गॉड, जबरदस्त। मैं खिजा की रुत में हयात हूँ, कभी शक्ल दार निजात हूँ, मैं गमे हयात में मुबतला, मेरे साथ ऐसे न बोलिए। कभी दिल में हुस्न व मलाल था, कभी दिल में सोज व गुदास था, कभी दिल में हुस्न व मलाल था, कभी दिल में सोज व गुदास था, कभी तुम भी शाम के हो लिए, कभी हम भी रात के हो लिए, कभी तुम भी शाम के हो लिए, कभी हम भी रात के हो लिए, और कभी सुबह की कभी शाम की, कभी जिंदगी तेरे नाम की, कभी सुबह की कभी शाम की, कभी जिंदगी तेरे नाम की, कभी रोशनी से जला दिए, कभी जुल्मतों में समो दिए, कभी रोशनी से जला दिए, कभी जुल्मतों में समो दिए, वो मेरे नसीब के रास्ते कहीं और जाके बदल गए, वो मेरे नसीब के रास्ते कहीं और जाके बदल गए, इसी बात पर कभी हंस दिए, इसी बात पर कभी रो दिए, सभी रुख हैं इसके हसीन तर, किसी एक रुख की ना बात कर, मैं जमाल यार भी ढूंढ लूँ, मेरे दिल के तार पे हो नजर, सभी रुख हैं इसके हसीन तर, किसी एक रुख की ना बात कर, मैं जमाल यार भी ढूंढ लूँ, मेरे दिल के तार पे हो नजर। अब बहार ने अपनी बात मुकम्मल कर ली है, अब वो खजान उसके जवाब दे रही है। खजान बहार को कहती है, तू सितम रसीदा बहार है, मैं सितम गजीदा हूँ एक जहाँ, तू सितम रसीदा बहार है, मैं सितम गजीदा हूँ एक जहाँ, सभी हाल तूने तो कह दिया, जरा हाल मेरा भी सुन जरा, कभी बरज़ख़े तब ताब में, कभी दो ज़ख़े गिलो आब में, कभी बरज़ख़े तब ताब में, कभी दो ज़ख़े गिलो आब में, कभी मैं भी शक्ल हसीन हूँ, कहीं रब की आली जनाब में। खुदा अपने आप को कह रही है कि मैं भी शक्ल हसीन हूँ, कभी बरज़ख़े तब ताब में, कभी दो ज़ख़े गिलो आब में, कभी मैं भी शक्ल हसीन हूँ, कहीं रब की आली जनाब में, कभी ज़ुल्मतों की अमीन थी, कभी दर्द व गम की मकीन थी, कभी ज़ुल्मतों की अमीन थी, कभी दर्द व गम की मकीन थी, कभी मैं भी नाज़े ज़मीन थी, कभी मैं भी माहे जबीन थी, कभी मैं भी नाज़े ज़मीन थी, कभी मैं भी माहे जबीन थी, फिर ही मैं तलाश जमाल में, कभी दूसरे ही ख्याल में, फिर ही मैं तलाश जमाल में, कभी दूसरे ही ख्याल में, कभी वसअतों के जलाल में, कभी आग ही के वबाल में, कभी वसअतों के जलाल में, कभी आग ही के वबाल में, हुई तंग नज़र दिल सर ज़मीन, तो बदल गए मेरे सब हसीन, हुई तंग नजर दिले सर जमीं, तो बदल गए मेरे सब हसीं, जो खिजां शिकार हुए मकीं, तो अरक अरक थी मेरी जबीं, जो खिजां शिकार हुए मकीं, तो अरक अरक थी मेरी जबीं, मेरे दिल से निकली वो एक सदा, हुई पेश रब के मैं बासफा, मेरे दिल से निकली वो एक सदा, हुई पेश रब के मैं बासफा,
कहा जा हसीन है दिल रुबा तुझे भी बहार हो गया था। अल्लाह ताला ने खुदा को बहार अदा कर दी। सही। कहा जा हसीन है दिल रुबा तुझे भी बहार हो गया था, मगर ए हसीन है शाम गम, मगर ए हसीन है शाम गम तेरी जुल्फ के सभी पेश खम, मगर ए हसीन है शाम गम तेरी जुल्फ के सभी पेश खम, है रहे बहार में बेश कम तेरे वास्ते हैं सभी अलम, तू असीर सुबह अजल बनी मैं असीर शाम दुआम हूँ, तू हकीकतों के हैं दरमियाँ मैं हकीकतों में मुकाम हूँ, कभी जुल्मतों में हूँ सर बसर कभी रोशनी की राह पर, कभी मौत और कभी जिंदगी कभी आग ही की तलाश पर, तू जमाले यार की इब्तदा मैं जमाले यार की इंतहा, तू जमाले यार की इब्तदा मैं जमाले यार की इंतहा, तू असीर सुबह अजल है गर तो अंधेरी शब मेरा फलसफा, चली जा हसीना जिंदगी किसी और अपने जहान में तुझे भी सुकून नसीब हो, चली जा तू अपने मकान में, यूं ही बार बार न देखिए यूं ही बार बार न टोकिए, दरे आग ही नहीं इस तरफ किसी और सिमत को देखिए।